हेलो सेठ जी, बाहर बहुत ठंड है, हमें घर से बाहर मत निकालिए। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटी को कुछ भी हो जाए, मुझे इससे क्या मतलब? मुझे तो किराए से मतलब है। तूने किराया तो पिछले 2 महीनों से नहीं चुकाया और रहने की बात करती हो। तुम जैसे भिखारी पक्षियों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। चलो चलो, निकलो यहाँ से। वह कालू कौवा रानू और उसकी बेटी छोटी को घर से बाहर निकाल देता है। माँ देखिए, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है और बर्फ भी गिर रही है, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मुझे कुछ नहीं पता छोटी बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चुप होकर यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। रानू अपनी बेटी छोटी को लेकर एक चबूतरे पे बैठ जाती है। उधर कालू कौवा जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी गौरी उससे कहती है, कालू जी आप ले आए नौकरानी को। कहाँ है नौकरानी, मुझे इतनी ठंड में काम वाम नहीं होते। गौरी, मैं अब नौकरानी को कहाँ से ढूंढ कर ले आऊंगा? देखो कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप आज के आज नौकरानी नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, तुम इतनी ठंड में मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा क्या होगा? तभी कालू कौवा सोचने लगता है, मिल गई गौरी, हमको नौकरानी मिल गई, मैं अभी गया और नौकरानी को अभी ले आया। कालू कौवा जल्दी से भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू सेठ जी, मैं जानती थी आप बहुत दयालु हैं, अब वापस जरूर आएंगे। जल्दी घर का ताला खोलिए सेठ जी, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। छोटी चिड़िया, मैं घर का ताला नहीं खोलने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुमको मेरे घर में आकर सारे काम करने पड़ेंगे, तभी मैं तुमको अपने घर में रखूँगा। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बस मुझे रहने के लिए छत दे दो। कालू कौवा रानू और उसकी बेटी को लेकर घर आता है। कालू जी आप ये किसे लेकर आए हो, ये तो हमारी किराएदार रानू है। नहीं गौरी मेम साहब, अब मैं आपकी किराएदारनी नहीं रही, अब मैं आपकी नौकरानी हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। अच्छा अच्छा, बाहर एक मेरा टूटा फूटा घर है, तुम उस घर में अपनी बेटी के साथ सो जाओ। रानू उस रात अपनी बेटी छोटी को लेकर उस टूटे फूटे घर में सोने की बहुत कोशिश करती है। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो चारों तरफ हवाएं आ रही है, इतनी ठंड से मेरे दोनों पंख सुन हो रही है, मैं मर जाऊंगी माँ। छोटी अब हम कर भी क्या सकते हैं, इतनी ठंड में हमको यहाँ गुजार नहीं होगा, तुम आओ मेरे पंखों में छुप जाओ, तुम्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी। फिर छोटी चिड़िया अपनी माँ के पंखों में छुप जाती है। गौरी मेम साहब, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं ये कंबल खरीद लूंगी, छोटी को रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, अब तो रोज रोज बर्फबारी होगी, कैसे मैं अपनी बेटी को लेकर उस टूटे फूटे घर में रहूंगी। अरे वाह चिड़िया, तुम कैसे पैसे मांग रही हो, अभी तो तुम्हें आए हुए एक ही दिन हुआ है और तुम पैसे भी मांगने लगी हो। काम करना है तो करो, वरना भागो यहाँ से, हम तो दूसरी नौकरानी भी रख सकते हैं। रानू ने अब फैसला कर लिया था कि वो अब कालू कौवे के यहाँ नहीं रहेगी। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? छोटी मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, हम दोनों जंगल में चाय बेचेंगे, मैं लूसी बहन से कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ठंड के मौसम में हमारे पास कई सारे पक्षी चाय पीने के लिए जरूर आएंगे। हाँ माँ आप सही कह रही हो,
चाय बेचकर जो पैसे आएंगे हम उनसे हमारा एक मजबूत घर बना लेंगे। अगले दिन रानू अपनी दोस्त लूसी से कुछ पैसे उधार ले लेती है और उन पैसों से एक छोटा सा चाय का ठेला खोल लेती है। ठंड होने के कारण जंगल के पक्षी रानू के पास गर्मा गर्म चाय पीने के लिए वहाँ आते हैं। कुछ दिनों बाद चाय बेचकर रानू चिड़िया अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है और दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल में मोमोज बेचने वाली एक चिड़िया रहा करती थी, उसका नाम रानू था। उसके बनाए हुए मोमोज बहुत ही मशहूर थे, जंगल से दूर दूर के पक्षी आकर खाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, शहर से कालू और उसकी पत्नी गौरी जंगल में घूमने के लिए आते हैं। रास्ते में गौरी कवि को भूख लगती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर रास्ते में कोई होटल नजर आए तो हम वहां जाकर कुछ खा लेंगे, मुझसे भूख सहन नहीं हो रहा। गौरी, भूख तो मुझे भी लगी है, देखता हूँ रास्ते में अगर कोई पक्षी नजर आया तो उससे पूछता हूँ। अरे अरे तोते भाई, जरा इधर तो आना, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ भोजन मिल सकता है? नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ होटल तो दूर की बात है, यहाँ तो एक ढाबा तक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रानू चिड़िया के ठेले पर मजेदार मोमोज मिलते हैं। रानू सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज बेचती है, सभी पक्षी उसके पास ही खाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, चलो गौरी चलकर मोमोज खाते हैं। क्या कालू जी, आप मुझे ढेले से खाना खिला रही हो? ना बाबा ना, ये ढेले वाले बहुत ही गंदे तरीके से खाना बनाते हैं, मुझे नहीं खाना। मैं तो जा रहा हूँ मोमोज खाने, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। फिर कालू कौवा स्वादिष्ट मोमोज खाने के लिए रानू के ठेले पर आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट मोमोज देना, और हाँ, क्या आप मोमोज बनाते समय साफ सफाई रखती हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत ही साफ सफाई से मोमोज बनाती हूँ, जंगल के सारे पक्षी मेरे पास ही मोमोज खाने के लिए आते हैं, आप एक बार खाकर तो देखना। फिर कालू कौवा मजे मजे से लाल चटनी के साथ मोमोज खाने लगता है। वाह चिड़िया, कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं तुमने, ऐसे मोमोज तो मैंने शहर में भी नहीं खाया है, ये मोमोज खाकर ही तो मजा ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट मोमोज पैक करके दे दो। कालू कौवा एक प्लेट मोमोज लाकर अपनी बीवी के पास बैठकर खाने लगता है। कालू जी, मुझे भूख लग रही है, आप मेरे सामने मोमोज खाकर मुझे जला रही हो? नहीं गौरी, मेरी इतनी हिम्मत जो मैं तुमको जला जला कर खाऊंगा? तुमने ही तो मना किया है ना कि तुम ठेले से कुछ नहीं खाओगी। कालू जी, ये मोमोज की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। कालू जी, क्या मैं भी ये मोमोज खा सकती हूँ? क्यों नहीं गौरी, मैंने कब मना किया है? फिर गौरी कवि कालू कवे के लाए हुए मोमोज मजे मजे से खाने लगती है। कालू जी, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और मोमोज खानी है। फिर कालू और गौरी दोनों मिलकर रानू के ठेले पर जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारे बनाए हुए मोमोज तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही पसंद आए। हमारे शहर में घटिया वाले मोमोज 50 रुपए प्लेट मिलता है। क्या कहा कवि बहन, 50 रुपए प्लेट? यहाँ तो पक्षी 10 रुपए प्लेट देने ही रोते रहते हैं। चिड़िया बहन,
तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे घर के पास ही मोमोज का ठेला लगा लो। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा और गोरी कवि के साथ शहर आ जाती है। शहर आकर रानू चिड़िया शहर में ही एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज खाओ, स्वादिष्ट मोमोज, सिर्फ 20 रुपए प्लेट में ही स्वादिष्ट मोमोज खाओ। रानू के बनाए हुए मोमोज सारे पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। रानू भी अच्छे पैसे कमाकर बहुत जल्दी अमीर बन जाती है। चमेली कवि अपनी बहू गोरी कवि के साथ रहती थी। वो दोनों सास बहू बहुत ही कंजूस थे। उन दोनों सास बहू एक बिरयानी का ठेला चलाया करते थे। एक दिन छोटी चिड़िया उनके ठेले पर आती है। क्या बात है छोटी, आज बड़ी चमक रही हो, कुछ खास बात है? गोरी आंटी, आज हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, इसलिए मैं आपसे बिरयानी खरीदने आई हूँ। मुझे पूरा 10 किलो बिरयानी चाहिए। छोटी बेटा, तुम्हारे घर में फंक्शन है और तुम बिरयानी खरीदने आई हो, क्या हमें न्योता नहीं दोगी? वो किस किस को न्योता देना है वो माँ जानती है ना, मैं किसी को न्योता नहीं दे रही हूँ, मैं घर जाके माँ से कह दूंगी। दरअसल तुम्हारी माँ और हम बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, तुम्हारी माँ हमें बोलना भूल गई होगी। कोई बात नहीं, अब तुमने बोल दिया ना, हम जरूर आएंगे। फिर छोटी चिड़िया 10 किलो बिरयानी लेकर वहाँ से चली गई। माँ जी, आज का खाना तो बच गया अपना, आराम से दावत में जाएंगे, 2-3 दिनों का भरपेट खाकर आएंगे। हाँ बहू, वही सोचकर मैंने छोटी को बातों में उलझाया। कुछ समय बाद सास बहू तैयार होकर दावत के लिए निकले। गौरी और उसकी सास चमेली को अपने घर की ओर आते हुए छोटी की माँ रानू ने देख लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों के कंजूस की वजह से मैंने तुम दोनों को यहाँ नहीं बुलाया, ना जाने तुम क्या क्या कर दोगी। तुमने हमें बुलाना भूल गया तो इसलिए हम ही यहाँ आ गए हैं। वैसे तुम्हारी बेटी छोटी है ना, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने ही खास करके हम दोनों को आने के लिए न्योता दिया है। अब आ ही गए हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे आई हो वैसे रहना, कुछ मत करना। ऐसे ही कुछ समय बाद सास और बहू बातें कर रहे थे। सासू माँ, मुझसे और खाया नहीं जाता, मैंने तो 2 दिनों का खाना खा लिया। बहू, तुझसे तो मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैंने तो पूरे 4 दिनों का खाना खाया है। माँ जी, मैंने दूसरे कमरे में ढेर सारा बिरयानी देखा है, किसी को बिना पता चले हम उस बिरयानी को यहाँ से ले जाते हैं और हमारे ठेले पर रखकर बेच देते हैं। अरे वाह मेरी चालाक बहू, तुम तो मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। वो दोनों सास बहू चुपके से बिरयानी ले जाकर अपने घर पर रख देते हैं। फिर वो दोनों वापस दावत पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी पता ना चले। रानू, तुम तो कह रही थी कि हम सबके लिए तुमने बिरयानी मंगवाई है, कहाँ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ, क्यों नहीं लूसी, मैं अभी तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ दोनों सास और बहू बातें कर रहे थे। गोरी बहू, देखना, वो रानू वापस फिर से बाहर आएगी और हम दोनों को अंदर लेकर जाएगी। जैसे ही चमेली ने कहा, रानू उन दोनों को अंदर लेकर आई। गोरी और माँ जी, मैंने आप दोनों के ठेले से बिरयानी
बिरयानी मंगवाई थी, मैंने इधर ही रखा, अब बिरयानी नहीं दिख रहा है। इसलिए तो मैं ये दावत में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने हमको बार बार बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन तुम तो हमको यहाँ अपमान कर रही हो। मैं अभी लूसी कबूतरे को बुलाती हूँ और सभी बता दूंगी कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। नहीं नहीं, तुम लूसी को यहाँ मत बुलाना, दरअसल लूसी हमारी अच्छी मेहमान है। तुम दोनों ये काम करो, तुम्हारे ठेले से बिरयानी ले आकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। एक बार हमने दुकान बंद कर दी तो हम कल ही खोलते हैं, आज के दिन बिरयानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही है तो हम बिरयानी लेकर आते हैं, और हाँ, हम होम डिलीवरी करेंगे, इसलिए कुछ पैसे लगेंगे। अब कर भी क्या सकते हैं, पूरे कितने पैसे होंगे? 100 रुपए 100 रुपए होंगे। अरे इतना ही? ठीक है, मैं दे दूंगी। 100 रुपए नहीं, 3 किलो बिरयानी का 300 होगा। तुम्हें कैसे पता है गौरी, 3 किलो बिरयानी मंगवानी है, इसका मतलब बिरयानी तुम दोनों ने ही चोरी की है। लूसी लूसी, जरा इधर तो आना। नहीं नहीं, लूसी को मत बुलाना, जितना होगा मैं उतने पैसे दे दूंगी। फिर सास और बहू वापस अपने घर जाती हैं और बिरयानी ले आकर उनका बिरयानी उन्हें ही बेच देती हैं। माँ जी, 3 दिनों का खाना भी खा लिया और पैसे भी बच गए, पैसे तो वैसे के वैसे ही, ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। रानू चुड़िया अपने पति टुन्नू और बेटी के साथ रहा करती थी। उसका पति टुन्नू चुड़ा बहुत ही आलसी था, इसीलिए बिचारी चिड़िया को ही घर के साथ साथ खेती का काम भी देखना पड़ता था। रानू ने अपने खेत पर भुट्टो की फसल लगा रखी थी। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया अपने खेत पर काम कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन गौरी कवि उसके पास आती है। चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो या तो खेत पर रहती हूँ या घर के काम करती हूँ, तुम्हारा पति टुन्नू क्या करता है? तुम कैसे अकेले ही घर और खेत को संभाल लेती हो? क्या करूं गौरी, मेरे पति बहुत आलसी हैं, मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन वो मेरी सुनते ही कहाँ है, थक हार कर मुझे ही खेत का काम देखना पड़ता है। अगर मैं मेरी फसल का देखभाल नहीं करूंगी तो ये सूख जाएंगे। उन्नू जी तो कुछ काम करते ही नहीं है, अगर ये खेत भी सूख गया तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी, छोटी का स्कूल का फीस कैसे भरूंगी? बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम इस तरह अपने पति को छोड़ दोगी तो तुम्हारा पति और आलसी बनेगा, फिर वो तुम पे ही बोझ बनेगा। तुम अभी से कुछ करो ताकि टुन्नू अपने खेती का काम शुरू कर दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरी, मैं कैसे टुन्नू जी को समझाऊं? फिर गौरी रानू चिड़िया को कुछ उपाय बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति को नींद से जगाते हुए कहती है, टुन्नू जी नींद से उठिए, टुन्नू जी दोपहर होने को आई है, रात से सो रही हूँ और कितना सोके, जाइए जाकर फसल का देखभाल कीजिए और पेड़ों को पानी दीजिए, अगर वक्त पर पेड़ों को पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ सूख जाएंगे, अगर पेड़ सूख गए तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। रानू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे नींद से जगाया मत करो, कितनी अच्छी मीठी नींद सो रहा था, आज मेरी जरूरत कैसे आ गई,
तुम जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझे सोने दो। पापा, माँ की तबीयत खराब है, सुबह शाम वो काम ही करती रहती है, आप सोते रहते हो। छोटी बेटा, तुम कुछ मत कहो, तुम्हारे पापा ऐसे समझने वाले नहीं। टुन्नू जी, अगर आप कुछ काम काज नहीं करेंगे तो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके वाले जंगल चली जाऊंगी। रानू, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन छोटी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी। उन्नू जी, अगर आपको आपकी बेटी की इतनी चिंता है तो कुछ काम कीजिए और अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से कीजिए, आप तो हमेशा सोते रहते हो। आजकल मैं बीमार रहने लगी हूँ, मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं कल खेत पर चला जाऊँगा। इतना कहकर टुन्नू फिर से सो जाता है। अगले दिन भी वो खेत पर नहीं जाता, तब रानू अपनी बेटी छोटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। शाम हो जाती है, टुन्नू चुड़ा रानू और छोटी को घर पूरा ढूंढने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नजर नहीं आते। लगता है रानू मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले जाकर कुछ भुट्टे भूनकर खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। टुन्नू अपने खेत पर जाकर देखता है तो उसकी भुट्टों की फसल खराब हो चुकी थी। ये ऊपर वाले, ये सब मेरी आलस के कारण हुआ है, रानू मुझसे कितना कहती थी लेकिन मैं एक नहीं सुनता था। उस दिन से टुन्नू चुड़ा अपने आलसी को छोड़कर अपने फसल की देखभाल करने लगता है, पूरी फसल पहले जैसे हो जाती है। ये सब देखकर टुन्नू बहुत खुश होता है। टुन्नू कुछ भुट्टों को तोड़कर मंडी में बेच देता है, जिसे उसको कई सारे पैसे मिलते हैं। फिर वो अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए दूसरे जंगल जाता है। रानू, मुझे माफ कर दो, अब मैं बदल गया हूँ, मैं खेत की अच्छे से रखवाली कर रहा हूँ, वापस मेरे साथ मेरे घर चलो। रानू, तुम दोनों के बिना मेरा घर बहुत सोना सोना लग रहा है। दामाद जी, आप आ गए। दामाद जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुश हो रही है, ले जाइए मेरी बेटी को, ले जाइए। फिर वो उन दोनों को उस जंगल से वापस अपने घर ले आता है। उस दिन से टुन्नू खेती को संभालने लगा और रानू घर को, इस तरह वो परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। रानू चिड़िया अपने दो बेटियां और पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। रानू ने हाल ही में एक अंडा दिया था, उसका पति टुन्नू चाहता था कि उस अंडे में से बेटा बाहर निकले। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस अंडे में से नन्ही सी बेटी बाहर निकलती है। ये सब देखकर पापा चिड़े को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने परिवार को छोड़कर उस जंगल से भाग जाता है। मैं नहीं पाल सकता तीन तीन बेटियों को, पहले पालो फिर दहेज देके शादी कर दो, ये सब मुझसे नहीं होगा। रानू ने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पति टुन्नू उसको कहीं नहीं दिखा। उस दिन से रानू चिड़िया ठंडी ठंडी मौसम में गरम गरम भुट्टे बेचकर अपनी बेटियों को पालने लगी।